अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 12.8 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए बी सी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, इसको हमने प्रूव करना है फोर डेल एस के। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए बी सी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गैमा की फॉर्म में। तो देखें हमारे पास जो सिंस कैपिटल आर इक्वल टू ए ओवर टू साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर टू साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर टू साइन ऑफ गैमा की फॉर्म है। तो देखें हमें यहां से साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, साइन बीटा एंड साइन गैमा की चाहिए। तो मैं यहां से दिस इंप्लाइज दैट देखें आर ए ओवर टू साइन अल्फा के भी इक्वल में रख सकता हूँ टू ओवर बी ओवर टू साइन बीटा के एंड सी ओवर टू साइन गैमा के। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू ए ओवर टू साइन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा ए ओवर टू आर के इक्वल। सिमिलरली आर इक्वल टू ए बी ओवर टू साइन ऑफ बीटा, this implies that sine of beta equal to b over 2r। and third हमारे पास जो आएगा c over 2 sine of gamma की फॉर्म है, and c over 2 sine gamma, this implies that sine gamma equal to c by 2r की फॉर्म। तो ये वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखें 1 इंप्लाई दैट ए बी सी इनटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा मेरे पास ए ओवर 2 आर प्लस साइन बीटा भी बी ओवर 2 आर, सिमिलरली साइन गैमा सी डिवाइडेड बाय 2 आर की फॉर्म है। तो व्हिच इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई, देखें 2r कॉमन है तो 2r मैं लिख लेता हूं a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म है। तो सिंस s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s की फॉर्म है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a b c डिवाइडेड बाई 2r इनटू 2s, 2 2 के साथ कैंसिल हो इक्वल टू a b c, आर मेरे पास इक्वल होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल इनटू एस की फॉर्म है, विच इज इक्वल टू जब इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 4 डेल इनटू ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी इनटू एस की फॉर्म है, ए बी सी के साथ कैंसिल विच इज इक्वल टू 4 डेल एस। तो यही हमारी राइट हैंड साइड। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 12 इसका पार्ट नंबर 1 है मेरे पास। वो कहता है प्रूव दैट आर वन प्लस आर टू इंटू टेन गैमा बाई टू, टेन गैमा बाई टू इक्वल टू सी, आर वन प्लस आर टू टेन गैमा बाई टू इक्वल टू सी। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आर वन प्लस आर टू इंटू टेन ऑफ गैमा बाई टू की फॉर्म है। आर वन मेरे पास इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस ए, आर टू डेल ओवर एस माइनस बी की फॉर्म है, टेन गैमा बाई टू स्केयर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस सी की फॉर्म। तो देखिए यहां से डेल कॉमन है तो डेल कॉमन ले लेता हूं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी मेरे पास आ जाएगा एलसीएम इक्वल टू एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए। कंप्लीट करने के लिए मेरे पास
एस इंटू एस माइनस सी की कमी है तो मैं एस माइनस सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखें बेल इंटू यहां से 2s माइनस इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डॉट, यहां से स्केयर रूट में अलग अलग करूंगा तो मेरे पास बनेगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई स्केयर रूट ऑफ एस स्केयर इंटू एस माइनस सी का स्केयर, स्केयर के रूट के साथ कैंसल आउट, डेल इंटू टू एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये मेरे पास डेल के इक्वल आ गया डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी की फॉर्म है विच इज इक्वल टू ए ए के साथ कैंसल बी बी के साथ कैंसल डेल इंटू डेल डेल स्केयर आ जाएगा मेरे पास डेल स्केयर ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये डेल स्केयर के डेल स्केयर डेल स्केयर के साथ कैंसल विच इज इक्वल टू सी, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसका पार्ट नंबर टू है, पार्ट नंबर टू के अंदर आप देखें वो कहते हैं प्रूव दैट आर थ्री माइनस आर ऑट ऑफ गैमा बाई टू इक्वल टू सी, तो आर थ्री माइनस आर ऑट ऑफ गैमा बाई टू इक्वल टू सी, तो आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर थ्री माइनस आर इंटू कॉट ऑफ गैमा बाई टू, तो आर थ्री हमारे पास इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस सी माइनस आर डेल ओवर एस इंटू कॉट गैमा बाई टू, तो कॉट गैमा देखें टेन गैमा बाई टू होता है जो हमारे पास टेन गैमा बाई टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी, तो टेन का रेसिप्रोकल हमारे पास कॉट होता है तो कॉट गैमा बाई टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी की फॉर्म है, तो ऊपर से डेल कॉमन आ गया हमारे पास 1 बाई एस माइनस सी माइनस 1 बाई एस इंटू, देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एस माइनस ए एंड एस माइनस बी की कमी है तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी की फॉर्म है, डेल इंटू एस माइनस सी, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा एस माइनस एस प्लस सी की फॉर्म में डॉट, जब स्केयर रूट अलग अलग करूंगा मेरे पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई स्केयर रूट ऑफ एस माइनस ए का स्केयर इंटू एस माइनस बी का स्केयर, तो ये एस एस के साथ कैंसिल आउट ये स्केयर स्केयर रूट के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा डेल इंटू सी डॉट डेल डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी की फॉर्म है, दिस इंप्लाइज दैट डेल स्केयर इंटू सी डिवाइडेड बाई डेल स्केयर, तो ये डेल स्केयर के साथ कैंसिल विच इज इक्वल टू सी, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है।
तो इसी के साथ हमारी 12.8 एक्सरसाइज है कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।